चीज दिखाओगे और ऐसे करते हैं 16 लोग वही सब चीज एक दूसरे को दिखाएंगे। क्लियर है सबको? यस और नो? यस। परफेक्ट मैम, ये गेम हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप ही एक मेरी फीमेल आई है, राइट? तो मैं आपसे गेम शुरू करना चाहूंगा। ओके चलिए आइए, मैं आपके साथ गेम शुरू करता हूँ। आपकी तरह नहीं मैम, अभी 2 मिनट रुक जाइएगा। ओके मैं मैम को कुछ सिखा पढ़ा के लेके आ रहा हूँ, जल्दी से पढ़ा सकते। पढ़ा के लिए आया। मैम आइए, मैम आइए फटाफट, जल्दी से आ जाइए, सबसे पीछे चलते हैं। और अरे पीछे वाले के वो देखो सर के पास, इधर उधर मत देखो। मैम अब आप यहां खड़े हो जाइए, ओके? और जो मैंने आपको बताया दिखाया आपको बोलना नहीं है, राइट? आपको इनको टच करना है, ये उल्टा कर देखेंगे आपकी तरफ, आपने जो देखा आपको इनको वो बताना है, ठीक है? ओके क्लियर है? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? मैंने जो मैंने किया वो आपको इनको बताना है। ओके राइट, ओके आप उल्टा घूम जाएंगे, अब ये कुछ करेंगे, आप ध्यान से देखिए करिए। मैंने क्या किया था? हाँ बोलना नहीं, जो मैंने किया था वही करिए आप, बताओ ना करो। अरे ऐसा थोड़ी कुछ किया था मैंने आपके साथ जो बताओ क्या किया था मैंने, क्या एक्शन किए थे? वो एक्शन जो आपने देखे जो मैं कर रहा था वही सेम मैंने दिखाओ। बस यही देखा कर रहा था पक्का? ओके आपने देख लिया, ओके आप इनको यही चीज दिखाओ। ओके आपने देख लिया, यही चीज पूरा घूम जाएगा। वेट इज राइट, ओके आगे आगे बोल, आगे इनको बताइए। क्या किया था मैंने पहले तो ये बता दूं। अच्छा मैडम मैंने क्या किया था?
मैंने सिंपल सा मैडम को कहा मेरी तरफ देखो, मैं बाइक चलाने जा रहा हूं और बाइक का बन गया क्या वो बाइक कहां से चली, कितना मैडम को समझ आया, कितना मैडम ने मैडम ऐसे कर दी आंखों में देखी भाई। और उसके बाद बाइक स्टार्ट, फिर कह रही स्टेयरिंग ने दो और आगे बढ़ते बढ़ते तो पहले दिखाना ही बंद, ले तू ले दो चार के बाद तो तेरी ऐसी वंडरफुल। इन सब लोगों के लिए एक बार जोर से थैंक यू, the most important thing is exercise ke hisab se maine aapko ek cheez samjha di, kyunki aaj jo topic maine aap logo ke liye liya hai wo hai the unstoppable leader. ek leader kaun hota hai, ek leader ki definition kya hai, kya hum leader hain, I don't know, but aaj main aap logo ko zarur samjhaunga ki ek leader kaun hota hai. एक लीडर की डेफिनेशन क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हू इज द लीडर। और हम लोगों ने शायद सुना होगा, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये जानते हैं, लीडर की तीन क्वालिटीज होती हैं, तीन चीजें। पहली हु नोज द वे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर देख सकता है, जो फ्यूचर देख सकता है कि आने वाला कल, विजनरी। और मैं अपनी सारी ट्रेनिंग में एक चीज कहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जिन्होंने ये सुना है कि शिवजी की तीन आंखें हैं, कितने लोगों ने सुना ये बात, शिवजी की तीन आंखें हैं राइट, और एक यहां पे है फोरहेड पे यहां पे राइट, और कितने ने सुना है कि जिस दिन वो खुल जाएगी उस दिन प्रलय आ जाएगी, सबने सुना ये बात, यस और नो, यस। अब शिवजी इतने बिजी हैं आजकल कि वो खोल ही नहीं पा रहे तो प्रलय कहां से आएगी, बट आप लोग भूल गए आप सब लोगों के पास भी तीन आंखें हैं, yes. आप सब लोगों के पास इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति के पास तीन आंखें, तीसरी आंख को हम कहते हैं माइंड आई, जो व्यक्ति दिमाग से देख सके उसको हम कहते हैं विजनरी, विजनरी जो फ्यूचर देख सके। स्टीव जॉब्स, जिस दिन स्टीव जॉब्स ने अपना पहला लैपटॉप इसका पहला कंप्यूटर बनाया, उस वक्त आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बट उसने इसलिए नहीं सोचा कि वो बहुत बड़ी कंपनी है तो मैं अपना कंप्यूटर ना बनाऊं, नो, उसने कहा आई एम द लीडर, जिस दिन मैं शुरुआत करूंगा वर्ल्ड मेरे सारे लैपटॉप टीवी मोबाइल फोन आईपैड मेरे ही यूज करेगा। वो लीडर विजनरी, 20 साल बाद क्या होना है वो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली देख सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड माइंड्स आई। स्टीव जॉब्स ने जब 1973-4 में इस अपनी शुरुआत की, क्या उसको 10 साल शुरुआत में बहुत अच्छे रहे होंगे, नो, बहुत टफ रहे, बहुत टफ रहे होंगे। या इवन वेस्टीन ने जब 2004 में हम लोगों ने शुरुआत की तो क्या हमारे लिए बहुत अच्छे रहे होंगे, नो, नो। बट मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक व्यक्ति से मिला 2001 में और मैं हमेशा उस व्यक्ति को कहता हूं ही इज द विजनरी, ही इज एक्चुअली द विजनरी, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली शर्मा। क्योंकि मैं खुद उनसे इतना इंस्पायर होता हूं हर बार, क्योंकि 2001 में जब मैं उनसे मिला, 2004 में हम लोगों ने वेस्टीज की शुरुआत की, 2004 में वो 2008 और 9 की बातें करते थे, 2008 और 9 में वो 2019, 2018 और 2019 की बातें करते हैं, और आज 2020 में वो 2025 की बातें करते हैं। वो हमेशा हमेशा आने वाले कल, फ्यूचर, विजन, विजनरी। एक लीडर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्यूचर देख सकता है, क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं, क्या हमारी माइंड्स आई काम करती है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो लीडर की डेफिनेशन में पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान से देखना, दूर तक देखना और उस चीज को भी देखना
जो अभी नजर ना आ रहा हूं, वो ही एक्चुअली में एक लीडर होता है। Who knows the way? दूसरा, who shows the way? कि जो मेरे दिमाग में है वही सेम चीज मैं अपनी डाउनलाइन को भी दिखा पाऊं, वही सेम चीज मैम ने जो मेरे से देखा उनको वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेना चाहिए था, वो स्टोर करके वो ही सेम टू सेम उन्हें अपने आगे वाले व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अगर वो दूसरी बार गलत हुआ तो क्या वो कभी ठीक हो सकता है? नो। हमारा नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा, हमारा नेटवर्क क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? जो लर्निंग या जो टीचिंग जो आगे दो लाइनों में लोग बैठे हैं उनके पास है, वो सारे लोगों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि शायद आज जो हम लीडर हैं वो हम ट्रांसफॉर्म का मतलब है वही सेम चीज सेम तरीके से सेम व्यक्ति को सही तरीके से देना और समझाना, कि जो चीज मैं देख रहा हूं विजन से वही सेम चीज मैं अपनी डाउनलाइन को भी दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर मिस्टर बाली ने बोला कि भाई हम लोगों ने 1,050 करोड़ किया है, अब हमें अगले साल 2,000 करोड़ करेंगे, याद है आपको? नहीं? यस। और जो विजन उन्होंने लिया वो उन्होंने हमें दिखाया, वो सेम विजन उन्होंने हमें दिखाया और हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को वो विजन दिखाया और हम सारे के सारे लग गए मेहनत करने के लिए 2,000 करोड़ और स्टिल वी डिड ऑलमोस्ट 1,857 करोड़ और 1,257 करोड़ हम लोगों ने लास्ट ईयर किया। वो इसलिए क्योंकि एक विजनरी लीडर ने सेम विजन अपनी टीम को दिखाया और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे पास आते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं सर, मेरी डाउनलाइन ग्रो नहीं कर रही। वो डाउनलाइन इसलिए ग्रो नहीं कर रही क्योंकि आप तो लीडर हो बट शायद वो आप ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं कर रहे हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं कमी है, आपका चुनाव कहीं गलत हो रहा है या आप जो देख खुद देख रहे हो वो सेम वही प्रकार से अपनी डाउनलाइन को नहीं दिखा पा रहे हो, या अगर दिखा पा रहे हो तो शायद कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। और यही एक है कि जब आप 4 लोगों तक पहुंचते हो तो जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो थर्ड क्लास हो जाता है। और लीडर की यही डेफिनेशन होती है कि वो कहे उस तरीके से प्रोजेक्ट करे कि वो 50वें लेवल तक भी जाए तो वो ही जाए जो वो खुद कह रहा है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु नोज द वे, हु शोज द वे, और तीसरा हु गोज द वे, वो लीड करता है, वो घर पे नहीं बैठता, वो पूरे दिन, महीने में 30 दिन है अगर 31 दिन तो वो 25 दिन अपनी डाउनलाइन के साथ रहता है, वो कहता है कि सबसे पहले मैं उसके बाद कोई और, Who goes the way? वो लीड करता है और आगे बढ़ता है। और आज एक अनस्टॉपेबल लीडर होते कौन है, कि कौन से लोग हैं इस पृथ्वी में, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा और ऐसी कुछ कहानियां सुनाऊंगा जिसे शायद सुन के आप लोगों को बहुत शर्म भी आएगी। तो सॉरी टू से दिस, आज मैं आप लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूं, एक आईना जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों को देखना, क्योंकि दिस ईयर ये वो ईयर है जो एक हिस्टोरिक ईयर है और हिस्ट्री क्रिएट करेगा अगेन वेस्टीज के लिए, ये 100% करेगा, इसका मेरा मानना और वादा है आपसे। ये फोटो यहां पे किसी की दिखाई दे, किसकी फोटो है ये? शेर का। किसकी है? शेर। शेर। अच्छा शेर को आप क्या कहते हो? शेर क्या है? जंगल का राजा। क्या है? जंगल का लीडर राजा है क्या? जंगल का राजा है शेर। नहीं, आपने जाके बताया उसे भी वो आप जंगल के राजा? भाई शेर को कैसे बताओ वो जंगल का राजा? It's all one thing called belief. शेर कहता है मैं राजा हूं, मैं राजा। इस बिलीव लीडर की चीज होती है बिलीव। वो जब चलता है सारे हट जाते हैं, सारे, और शोर मचाने लग जाते हैं, हट जाओ मर जाओगे। मैं अभी रणथंभौर में था, वहां पे शेर तो नहीं थे, टाइगर थे। तो जो गाइड था मेरा कह
शोर मत करना। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर बाकी सारे जो डियर है स्पॉटेड डियर या सांभर है सब भाग जाते हैं आपकी आवाज सुन के। मैंने कहा मेरी आवाज सुन के भी भाग जाएंगे? कह रहे सर आपकी तो नहीं सुन के भाग जाएंगे बट हमारे को जो कॉल आनी है। मैंने कहा कौन सी कॉल? मैंने कहा नेचर कॉल या कौन सी कॉल आनी है भाई? कह रहा नहीं सर ये क्या करते हैं जब टाइगर चलता है तो जैसे टाइगर चलता है जो मंकी होते हैं जो चिड़िया ये जो होते हैं ना ये कॉल करते हैं सांभर एक दूसरे को कि भाई भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। अच्छा कहता हाँ सर तभी तो हमारे को पता चल जाता है कॉल आ रही है और टाइगर वहां है हम वहां फटाफट पहुंच जाते हैं और टाइगर देख लेते हैं। क्या स्ट्रेटजी है भाई? बट खैर आप लोगों को भी पता होगा जब आप सफारी में जाओ तो ये सब चीजें होती है। पर मुझे तो यही नहीं समझ आया कि शेर कहता है नहीं हूं जितना शोर मचा लो जिस दिन चलूंगा उस दिन चलूंगा जैसे चलूंगा वैसे चलूंगा कोई परवाह नहीं है। अच्छा शेर, अब शेर से मेरे को दो तीन चीजें याद आई। मुझे एक बात बताओ कभी आपने चिड़ियाघर में शेर देखा? किस दिन चिड़ियाघर में देखे? सबसे बताने जरा हाथ खड़े करो ऊपर वाले और देखा चिड़ियाघर में? अच्छा चिड़ियाघर में क्या ना ये देखो अब चिड़ियाघर में शेर जो है वो पिंजरे के अंदर है। अच्छा आप में से कितने लोग पिंजरे के अंदर गए? ऐसी बातें पूछ रहा हूं ऐसी वो पिंजरे के अंदर है और आप बाहर डांस कर रहे हो। जब लीडर चलता है ना तो बाकी सारे लोग डांस ही करते हैं तो बाकी सब दुनिया को पता चल जाता है वो बिल्ली वो पिंजरे में वो कुछ नहीं कर सकता आपका। आप तब भी आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप पिंजरे को टच करें। एक लीडर टच करता है ना 440 वोल्ट नहीं लगता 800 से भी नहीं लगता अब तो 1720 लगता है सीधा कि अब तो वो करंट लगता है कि बस पूछो ना एंड दैट्स व्हाट। इसको किसी ने नहीं बताया जंगल का राजा है। इसने खुद को कहा कि मैं ही जंगल का राजा। आप मुझे कितने लोग ये मानते हैं कि वो ही लीडर है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीडर के लिए। लीडर कभी लीड जो लीडर होता है वो लीडर बाद में बनता है बट वो सबसे पहले लीडर अपने माइंड में बनता है। वो सबसे पहले लीडर अपने माइंड में बनता है और जब वो माइंड में लीडर बन जाता है तो दुनिया की ताकत उसे लीडर बनने से नहीं रोक सकती। उसे लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने दिमाग में कह देता है कि मैं ही लीडर हूं बस दैट्स ऑल। अच्छा आप में से कितने लोग शेर के बारे में कुछ कुछ जानकारी है आप लोगों को? कोई मुझे बताना चाहेगा और कुछ खास खास जानकारी? खड़े हो गए। यस सर। सॉरी एटीट्यूड एटीट्यूड करेज करेज साहसी एब्सोल्युटली।